बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका होस्ट मियाँ साकिब और आप देख रहे हैं SHR न्यूज़। इस वक्त हम लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और ये PDA के कारकुन कुछ यहाँ पे जमा है और आज इनको पूछते हैं कि आज इनके यहाँ इकट्ठा होने का क्या मकसद है, चूँकि सुना है इमरान खान को नोटिस भी आज मिल चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ आए हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो क्या मकसद आपका? ये जो गलत फैसले दिए हैं उसको के लिए आए हैं, प्रोटेस्ट करने मियाँ इमरान खान साहब की काल पे आए हैं। और ये तो हम आ ही रहे हैं, आपको पता ही है हमें 5 महीने हो गए हैं कि सड़कों पे हैं और हम अपने हक के लिए निकले हुए हैं कि अच्छी खासी चलती हुकूमत को इस तरह से इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके मीर जाफर मीर सादिक बन के और अमेरिका का साथ दिया, उनके बने हैं सहूलत कार बने हैं और अपनी चलती हुकूमत को, और मुल्क तरक्की कर रहा था, अब मुल्क सारी मुश्किलें हल हो रही थी और ऐसा ऐसा स्टेबल हो रहा था और इन्होंने जान बूझ के गद्दारी की। न्यूट्रल मैन ने भी गद्दारी की, जो हमारा अपना हम अब नहीं कुछ भी छुपा हुआ रह गया उसने भी गद्दारी की है। और ये इलेक्शन कमिश्नर तो है ही नून लीग का रिश्तेदार है, उनका राइट हैंड है, जो भी फैसला इसने किया गलत किया है हमेशा। हम कितनी देर बर्दाश्त करेंगे खान साहब, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं हमसे बर्दाश्त होता। अभी आपने देखा जिमनी में किस कदर इन्होंने गलाजत खोली है और अभी जो, और मैं कहती हूँ इनके पास है क्या? नून लीग के पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो एक फैसले के ऊपर दिन रात इन्होंने कि जी फॉरन फंडिंग कह रहे थे, हालांकि वो ममनुआ फंडिंग का था, और उसके ऊपर रह गई आप लोगों की सियासत। लाना तो आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर के इतने सालों से आप लोग सियासत कर रहे हो और अभी आप लोग एक फॉरन फंडिंग का केस लेके आ गए हो, हर वक्त रोते हो उसका फैसला दो। तो वो मसला तो ये हुआ था कि तीनों सारी पार्टियों का हो, तो फिर ये एक खाली PDA का क्यों हुआ? आप यहीं से सोच लें किस कदर जानिबदार है इलेक्शन कमिश्नर। हम इसी एहतजाज के लिए आए हैं कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए और इसको हटना चाहिए, बराए मेहरबानी हमारी जान छोड़ दे मोटे इम्पोर्टेड हुकूमत भी और ये इलेक्शन कमिश्नर भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आने वाले जो, जैसे कि उनको नोटिस मिला है, उसके बाद PDA को या इमरान खान को नाहल कर दिया जाए? ये कैसे कर सकते, ये मजाक रहे आप? सबसे मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, आप खुद समझदार हैं, दुनिया पूरा पाकिस्तान इसके पीछे है, कैसे उसको आप कर सकते हैं नाहल? खाला जी का बड़ा है, ऐसे नहीं हो सकता। और ये सारे के सारे गलत इन्होंने फैसले दिए हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है कितनी फंडिंग होती है इनको नून लीग को? कौन नहीं जानता कि सबसे पहले बेनजीर को हटाने के लिए इसने ओसामा से कितना पैसा लिया, लीबिया से कितना पैसा लिया और कहाँ कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है? वो सारे ये छुप बैठे हुए, खुले आम गद्दारी हो रही है, ये खुले आम जानिबदारी हो रही है। और खाली एक बंदे को ऑनेस्ट है जो मुल्क को बचाना चाहता है, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहता है और आवाम के खुददारी की तरफ लेके जा रहा है, उसी बंदे के ऊपर सारे इकट्ठे होके पड़े हुए। इसराइल सबसे पहले, अमेरिका, बरतानिया, तमाम के तमाम, पूरे भी शऊर आ चुका। अब नहीं ये कुछ हो सकता। न्यूट्रल तो हैं हमारे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे अंदर ही गद्दार है, हमारे चौकीदार ही अच्छा नहीं है। भारत सबसे ज़्यादा खुश हो रहा है, क्यों खुश हुआ था नवाज शबाज शरीफ के आने पर? आपको समझ नहीं, हमें समझ नहीं, बच्चा जानता है। इनकी हुकूमत के आने पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों खुश हुआ? बस आप यहीं से समझ लेना। तो जो इनकी जानिबदारी करेगा इलेक्शन कमीशन, वो हमारा सगा कैसे हो सकता है? वो बगैर जानिबदार फैसले दे सकते हैं? जिमनी इलेक्शन में हमने अपनी आंखों से देखा है, हम खुद एजेंट बने हुए थे, इनके पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हुए थे। अगर ये फैसला वापस, हाँ वो कर लिया हमसे, ये भाई आप उसकी गिरफ्तारी ये हाथ पे नहीं लगा सकते, लगाएं तो हाथ इनके हाथ ना तोड़ दें हम ऐसे ही बैठे हुए। ये इमरान खान का एक बाल ही भी क्या कर सकते? ये निज़ाम इनका ख़त्म होना ही होना है, ये समझे कि आखिरी हिचकियाँ ले रहे हैं, बस ये ख़त्म होना है इंशाल्लाह। ये अब थोड़ा ही अच्छा है आपके भी, मैम देखेंगे आप इंशाल्लाह आएगा इमरान खान, दो या एक स्टेज से दोबारा आएंगे। अगर उन पे ये फैसला आ जाता है ना हेल का, क्या ये भी इंग्लैंड पे चले जाएंगे? कैसे सवाल ही पैदा नहीं, तो वो तो कहते हैं मुझे ACL में डाले। आपने सुना नहीं, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि खान साहब ने कि मुझे मेरा नाम ACL में डाले, क्योंकि मैं तो जाने नहीं चाहता। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वो बाहर चला गया, भाग गया, यानी कि तो फिर अब मतलब इस तरह यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है खान साहब के साथ। नहीं, आपको पता है ये नवाशी पहली दफ़ा तो नहीं गया, ये तो भगोड़ा है, ये हर दफ़ा ही जाता है, ये पहले नहीं गया था, इसने पहले भी झूठ बोला कि मैंने कोई माहदा नहीं किया, हालांकि मुशर्रफ के साथ माहदे करके गया था।
अब किसको नहीं पता, अब ये सोशल मीडिया का दौर है भाई, अब ये कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ये गलाजतें हैं, गलाजतों का ढेर है, ये गंद है। नून लीग पीडीएम मरियम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कहती हूँ अल्लाह पाक इस फितने से हमारी जान छुड़ा दे, रब्बुल आलमीन, मैंने उसे क्या कहना, मैं अपने रब के आगे झोलियाँ फैलाती हूँ, या रब्बुल आलमीन ये अगर खातून है औरत है तो या अल्लाह इस तरह की ज़िंदगी में दोबारा कभी औरत ना पैदा करना, या अल्लाह अपनी खुदाई में इस तरह की औरत ना कभी पैदा करना, बस यही कहूँगी, ये औरत नहीं है, ये कहला औरत कहलाने की हकदार नहीं है। चलिए मेहरबानी जी, आइए आगे चलते हैं और लोगों से बाकी इंटरव्यू करते हैं कि वो क्या करने आए हैं आज यहाँ पर।